किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि जब आप किस ईआर डायग्राम को टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें कितनी टेबल बनेंगी, या उनसे रूल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं एक छोटा सा वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि आप स्ट्रांग एंटिटी को कन्वर्ट करेंगे तो कितनी टेबल बनेगी, वीक एंटिटी के लिए क्या रूल है, तो उसी से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी आप किसी स्ट्रांग एंटिटी को एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो एक सिंगल टेबल बनेगी, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। अब इसके साथ आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट होते हैं, है ना, जैसे ये आपका मैंने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसके तीन पार्ट हैं A1, A2, A3, तो आपको ए नहीं लिखना है, जो इसके सब कंपोनेंट हैं सिर्फ उनको लिखना है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम कभी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो डिराइव्ड है। तो जैसे अगर डिराइव्ड में डेट ऑफ बर्थ है तो आप एज उससे डिराइव कर सकते हैं, तो आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मतलब स्टोर्ड एट्रीब्यूट मेंशन करेंगे, डिराइव को नहीं मेंशन करेंगे। सो सिर्फ सब कंपोनेंट ऑफ कंपोजिट एट्रीब्यूट वुड बी मेंशन्ड एंड डिराइव एट्रीब्यूट इज सिंपली लेफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद जब वीक एंटिटी की बात करते हैं, तो भाई जैसे वीक एंटिटी किसी ना किसी स्ट्रांग एंटिटी पर डिपेंडेंट होती है, राइट, तो इसका मतलब इसके लिए सिर्फ एक टेबल बनेगी, मतलब ये जो आपका डिपेंडेंट टेबल है या जो वीक एंटिटी है वो एक स्ट्रांग एंटिटी के साथ आती है, तो एक वीक एंटिटी के लिए एक टेबल बनेगा और एक स्ट्रांग एंटिटी के लिए बनेगा, ठीक है। तो अगर इस स्कीमा की मैं बात करूँ, इस ईआर डायग्राम की, तो यहाँ पे हमें दो टेबल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात या बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की है वो मूव करके कहाँ जाता है, वीक एंटिटी में जाता है, ठीक है। तो जब आप वीक एंटिटी, स्ट्रांग एंटिटी के लिए कैसे बनना है मैंने ऑलरेडी बता दिया, वीक एंटिटी के लिए मैंने बताया कि जो स्ट्रांग एंटिटी का प्राइमरी की है वो मूव करेगा किसके पास, वीक एंटिटी के पास। तो इसमें क्या बनेगा, यहाँ पे एम्प्लॉई का प्राइमरी की मूव करके आएगा, मान लीजिए हमने उसको बी नाम दिया है, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, और दूसरा आपके पास डिपेंडेंट नेम, ये इसका पार्शियल की पहले से था, बाकी इसके जो भी एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ, नियम अभी भी ध्यान रखना है कि अगर डिपेंडेंट के पास भी कोई कंपोजिट एट्रीब्यूट है तो उसके आप सब कंपोनेंट को मेंशन करिए और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को रिमूव कर दीजिए। बाकी चीज़ें मैं डिटेल में बाद में बताऊँगी। थैंक यू।